Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi, and today we are going to discuss about water relation part 2, and today's topic is diffusion, yani ki vishran. First about diffusion, it is the net movement of anything, for example atoms, ions, molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration. यानी कि ये किसी भी पदार्थ या आयन अणु या एटम का मूवमेंट होता है, गति होती है इसकी अधिक सांद्रता से इसकी कम सांद्रता की ओर. डिफ्यूजन इज ड्राइवन बाय अ ग्रेडियंट इन कॉन्सेंट्रेशन. डिफ्यूजन का जो मेन ड्राइवन फोर्स होता है वो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है, उनके बीच के जो डिफरेंस होता है, ग्रेडियंट जो होता है, प्रवणता जिसे आप कहते हैं, वो मेन कारक होता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन इज वाइडली यूज इन मैनी फील्ड इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस. यानी कि बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं जिसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस को हम यूटिलाइज करते हैं. द सेंट्रल आइडिया ऑफ डिफ्यूजन हाउएवर इज कॉमन टू ऑल ऑफ दीज. जो इसका केंद्रीय जो आइडिया होता है, मेन जो इसका आइडिया है, वो सारे के सारे क्षेत्रों में एक समान ही होता है. इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल एटम, आइडिया और आयन अंडरगोइंग डिफ्यूजन स्प्रेड, यानी कि वो बिखराव की तरफ जाता है फ्रॉम अ पॉइंट और अ लोकेशन एट लीस्ट देयर इज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. यानी कि अपनी अधिक सांद्रता की जो क्षेत्र होता है, जो लोकेशन होती है, उससे वो दूसरी तरफ जहाँ उसकी सांद्रता कम होती है उसकी तरफ वो विसरित होता है. द वर्ड डिफ्यूजन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स डिफ्यूंडरे विच मीन्स टू स्प्रेड आउट. यानी कि एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है बिखरना. Now types of diffusion. Since distribution occurs in a variety of condition, diffusion can also be classified into two major types: simple diffusion and facilitated diffusion. यानी कि हमें पता है कि जब हम कभी भी हम वितरण की बात करते हैं तो हमें पता है कि इसके बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारी conditions होती हैं. तो उसी के according diffusion को हम mainly दो major types में divide कर सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं. एक simple diffusion होता है यानी कि सामान्य diffusion पाया जाता है. दूसरा जो होता है वो facilitated diffusion होता है, यानी कि जो प्रेरित किया जाता है उसे हमें फैसिलिएट करना पड़ता है. हाउएवर देयर आर मोर टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन व्हिच आर रिलेवेंट इन अदर डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस सच एज एटॉमिक डिफ्यूजन, न्यूडसन डिफ्यूजन एंड काइनेसिस डिफ्यूजन. यानी कि कुछ और प्रकार के भी विसरण पाए जाते हैं जो विज्ञान की दूसरी डिसिप्लिन्स में काम में आए जाते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स आर गिवन गुडसन डिफ्यूजन, काइनेसिस एंड डिफ्यूजन, एटॉमिक डिफ्यूजन. First, we are going to discuss about simple diffusion, a process in which the substance moves through a semi-permeable membrane without any help from transport proteins. यानी कि यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ जो होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, लेकिन इस प्रकार के मूवमेंट में किसी भी प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, जो बाहर और अंदर मॉलिक्यूल्स को ले जाने वाले जो मेन अणु होते हैं, उनकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं ली जाती. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया ड्राइव अ स्मॉल न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन इन टू साइटोप्लाज्म थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. इसका क्लासिकल एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया का दे सकते हैं. बैक्टीरिया जो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए जो स्मॉल न्यूट्रिएंट अमाउंट जो काम में लेता है, या फिर पानी का जो या ऑक्सीजन का जो उसमें उसके साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है. स्लाइड में हमने एक डायग्राम भी शो किया है जिसमें डिफ्यूजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं विदाउट एनी ड्राइवन फोर्स, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का ड्राइवन फोर्स काम में नहीं लिया जा रहा है. सेकेंड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इट इज़ एन पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाय मीन्स ऑफ अ कैरियर मॉलिक्यूल्स. यानी कि अगर हम सामान्य डिफ्यूजन से इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो इसमें सिंपल इतना ही डिफरेंस होता है कि होती तो ये भी पैसिव मूवमेंट ही है. मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है. इसमें भी मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट करते हैं, लेकिन इनका जो मूवमेंट होता है वो एक विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कैरियर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं. इन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से ही जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो काम करता है, और अणुओं का जो मूवमेंट होता है वो मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ होता है. इसमें कैरियर मॉलिक्यूल्स यानी कैरियर अणु जो होते हैं वो काम में आते हैं.
Third one is dialysis. It is less common method of diffusion. It is the in which the solute across a selectively permeable membrane इसका diffusion होता है, विसरण जो होता है वो selectively यानी चयनात्मक जो पारगम्य झिल्ली होती है उसमें solute का जो movement होता है. A selectively permeable membrane is the one that allow only specific ions and molecules. अब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली हम उन्हें कहते हैं जिसमें जो स्पेसिफिक आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं वही उसमें से मूव कर सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं. अगर वो मॉलिक्यूल उनको फुलफिल करता है तो वो मूवमेंट कर सकता है, अदरवाइज मेम्ब्रेन के द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है. लास्ट वन इज ऑस्मोसिस. इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यह जो एक सामान्य जो विसरण होता है उसी के प्रकार का परासरण होता है. सिंस वाटर इज सॉल्वेंट इन एवरी लिविंग बींग, यानी कि हर कोई जो जैविक कोशिकाएं होती है या जैविक ऑर्गेनिज्म है उसमें वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह फंक्शन करता है. तो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि ऑस्मोसिस में हम सामान्यतः ये कह सकते हैं कि इसमें एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा पानी का जो मूवमेंट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह होता है और मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस. यानी इसका क्लासिकल एग्जाम्पल हम समझा सकते हैं, प्लांट्स यानी पादपों के द्वारा सॉइल से वाटर और दूसरे मिनरल न्यूट्रिएंट्स का अब्सॉर्प्शन जो होता है वो ऑस्मोसिस की हेल्प से ही होता है. नाउ एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन, अ टी बैग इमर्ज इन अ कप ऑफ हॉट वाटर विच डिफ्यूज इनटू द वाटर एंड चेंजेस इट्स कलर. अगर हम डिफ्यूजन के कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स की बात करें तो हम चाय के जो टी बैग्स आते हैं उनको जब हम हॉट वाटर कप में रखते हैं तो जो कलर चेंजेस होता है इट इज थ्रू एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस. द स्प्रे ऑफ परफ्यूम और रूम फ्रेशनर विल गेट डिफ्यूज इनटू द एयर बाय विच वी कैन सेंस द ऑडर. यानी कि अगर हम परफ्यूम या रूम फ्रेशनर की यूटिलाइज जब हम करते हैं तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस ही होती है जिसके द्वारा वो हमारे चारों तरफ की हवा में घुल जाता है और हमें अलग अलग प्रकार की जो स्मेल होती है, ऑडर्स होते हैं, उसका सेंस होता है. सुगर गेट डिजॉल्व इवनली एंड स्वीटन द वाटर विदाउट हैविंग टू स्टीयर इट. अगर हम शक्कर को पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो बिना स्टीयरिंग के, बिना हिलाए भी वो पानी में घुल जाती है और पूरे जो सॉल्वेंट होता है उसको मिठास कर देती है. As we lit the incense stick, its smoke got diffused into the air and spread throughout the room. And by adding boiling water into the dried noodles, the water diffused, causing rehydration and making dried noodle. यानी कि इसका एक और क्लासिकल एग्जांपल नूडल्स का होता है. अगर हम उसमें बॉयल वाटर डाल दें तो वो जो पानी होता है वो जो नूडल्स होते हैं जो ड्राइड कंडीशन में होते हैं उसके डिहाइड्रेशन को वो रिहाइड्रेशन में कन्वर्ट कर देता है और वो जो सैचुरेटेड फॉर्म में जो ड्राइड नूडल्स होते हैं वो वापस से हमें प्रेजेंट जो ईटेबल फॉर्म होती है, एडिबल फॉर्म होती है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है. Now factors affecting diffusion. There are few factors that affect the process of diffusion which individually and collectively alter the rate and extent of diffusion. कुछ ऐसे factors होते हैं जो diffusion के process को प्रभावित करते हैं, या तो वह अकेले या फिर दूसरे factors के साथ में मिल करके diffusion के process को adversely या फिर profitable changes लाते हैं. And these factors include temperature, तापमान, area of interaction यानी कि diffusion के लिए area of interaction जो होता है it is directly proportional to process of diffusion. Size of particles, किसी particle की size पे भी depend करता है कि diffusion की process कितनी effectively होगी. And the stiffness of the concentration gradient यानी कि उनका जो सांद्रता प्रवणता जिसे आप कहते हैं उस पर directly depend करता है. सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी diffusion की process उतनी ज़्यादा होगी. Now cause of diffusion, it is a natural and physical process. यह एक साधारणतः प्राकृतिक रूप से होने वाली या फिर भौतिक रूप से होने वाली प्रक्रिया which happens on its own. And यह स्वतः होती है without stirring, shaking or warping the solution. इसके लिए हमें solution में किसी भी प्रकार की changes की जरूरत नहीं होती. In gases and liquid particles move randomly from one place to another places. Gases और liquid की अगर हम बात करें तो particle जो होता है randomly यानी कि स्वतः ही जितने भी संभव एरियाज होते हैं उस एरियाज में वो मूवमेंट करती हैं. ड्यूरिंग विच द पार्टिकल कोलाइड विद ईच अदर. इस प्रोसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराव भी करते हैं. दिस चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. और यही वो टकराव होते हैं जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डायरेक्शन जो होता है, उनकी दिशा जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है या चेंज हो जाती है. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन.
यानी कि इसके लाभ क्या हो सकते हैं, फायदे क्या हो सकते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व इन डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लाइफ की जो अलग अलग प्रोसेस होती है उसमें यूटिलाइज होती है। एज मैंशनड अबो इट इज़ अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जैसा कि हम इसी डेफिनेशन के बारे में पहले भी बता चुके हैं। डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। During the process of respiration, this process helps in diffusing the carbon dioxide gas out through the cell membrane into the blood. यानी कि respiration या श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें diffusion बहुत important role play करती है carbon dioxide gas को blood में फैलने के लिए, cell membrane से बाहर जाने के लिए और blood में diffuse होने के लिए। Diffusion also occurs in plant cells, अदर कोशिकाओं में भी होता है। In all green plants, water present in their soil, जितने भी हमें हरे पादप या जो भी पादप हमें दिखाई देते हैं उनमें जो सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर का जो भी मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा होता है, मतलब हेयर सेल्स जो प्रेजेंट होती है रूट्स पे उसके द्वारा होता है। द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द न्यूरॉन्स दैट जनरेट इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज ड्यू टू डिफ्यूजन। हमारे जो आयन्स का मूवमेंट होता है जो कि न्यूरॉन्स में होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो जनरेट होते हैं वो मेनली डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ही होते हैं। This is all about diffusion. Thank you very much.